अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर हिरा सईद। आज मैं आपको बर्ड की कॉमन डिजीज़ के बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एवियन पोलियोमा वायरस जो होती है मोस्टली जो होती है वर्जिन बर्ड्स को इफेक्ट करती है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि ऑस्ट्रेलियन हो गया, रेड आइज हो गई, कॉकटेल हो गया, लव बर्ड्स हो गए और फिशेज को ये इफेक्ट करती है, और इसके अलावा ये रा पैरट्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। इससे हमें अपने बर्ड्स की प्रिवेंशन करवानी चाहिए किसी भी डिजीज बर्ड से, और इसके अलावा हमें अपने शेड को क्लीन रखना चाहिए। पोलियोमा वायरस जो होता है ये कॉमन बर्ड्स की डिजीज़ है जो कि एडल्ट बर्ड में ज़्यादातर पाई जाती है। मोस्टली जो होते हैं 1 से 2 वीक के जो बर्ड्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसमें जो होता है मॉर्टेलिटी जो होती है वो 100% होती है, और समटाइम जो होता है बर्ड जो होता है वो कोई भी साइन शो नहीं करता और इसकी डेथ कॉज हो जाती है। और लार्ज बर्ड जो होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ कैरियर, और इसके लिए जो होते हैं इनके समटाइम जो होता है ये कैरियर बर्ड्स की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, इसलिए हमें बर्ड्स को यूथिनाइज करना पड़ता है ताकि ये आगे कोई भी डिजीज़ स्प्रेड आउट ना हो सके। इससे हम और पोलियोमा वायरस को हम फीदर लॉस्टिंग डिजीज़ भी कहते हैं। पूरी स्किन के फेदर्स जो होते हैं वो बर्ड के रिमूव हो जाते हैं, जिससे बर्ड जो होता है वो फ्लाई नहीं कर पाता, और इसमें जो होता है बर्ड जो होता है एनोरेक्सिक हो जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है। जब बर्ड एनोरेक्सिक हो जाता है तो उसमें डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और इसमें जो फर्स्ट साइन ये होता है कि बर्ड की जो डाइजेशन जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और इससे जो होता है बर्ड में जो होती है डेथ कॉज हो जाती है विद इन 12 to 24 आवर्स में। एडल्ट बर्ड में जो होता है वो वेट लॉस हो जाता है, और एडल्ट बर्ड जो होते हैं वो कैरियर के तौर पर काम करते हैं। ये लार्ज बर्ड की सेक्रीशन से स्प्रेड आउट होती है, एयर की वजह से होती है, और हेल्थी बर्ड जो होते हैं उनको इफेक्ट करती है। और जो क्लीनिंग होती है वो बर्ड के केज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और इसलिए हमें बर्ड के केज को साफ करते रहना चाहिए। पोलियोमा वायरस की वजह से बर्ड जो होता है वो स्ट्रेस में चला जाता है, और जब स्ट्रेस में बर्ड जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, और इससे ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से भी ये डिजीज़ कॉज हो जाती है। हाइजेनिक कंडीशन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए हमें अपने बर्ड के केज को और उनके पानी को साफ सुथरा रखना चाहिए। समटाइम ये डिजीज़ जो होती है वो ओवर ब्रीडिंग की वजह से भी कॉज हो जाती है, इसलिए हमें अपने बर्ड को इतना ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करवानी चाहिए कि वो बिल्कुल ही वीक हो जाए, कि इनको ये वायरस आके इफेक्ट करे। और वायरल डिजीज़ जो होती हैं इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता एज सच, वायरल डिजीज़ के लिए हमें वैक्सीन करनी पड़ती है बर्ड की, और पोलियोमा वायरस की वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। ब्रीडिंग बर्ड में वैक्सीन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, जो कि हमारे बर्ड को प्रोटेक्ट रखती है किसी भी वायरल इफेक्ट से, और हमारे बर्ड का इम्यून सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और मार्केट में जो है पोलियोमा वायरस की वैक्सीन अवेलेबल है, हमें फर्स्ट डोज जो है बर्ड को 21st डे पर लगवानी चाहिए, उसके 25 डेज बाद हमें बर्ड को बूस्टर डोज देनी चाहिए, और उसके बाद हमें बर्ड को एनुअल डोज लगानी है, और ये सब रिकॉर्ड हमें अपने पास सेव करना चाहिए ताकि हम बर्ड को टाइम पे वैक्सीन दे सकें। और डायग्नोसिस है पोलियोमा वायरस का जो है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड के साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं, उसके बाद हमें बर्ड का ब्लड एग्जामिनेशन करवानी पड़ती है। ब्लड एग्जामिनेशन से हमें ये होता है कि हमें पता लग जाता है कि क्या इसको ये वाली पोलियोमा वायरस इफेक्ट कर रहा है या नहीं, या कोई और डिजीज़ है। उसके बाद हमें इसका एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट करवाना चाहिए। एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट जो होता है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इससे हमें पता लगता है हमें बर्ड को किस टाइप की एंटीबायोटिक देनी चाहिए। और पोस्टमार्टम लियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं डायग्नोस करने में बर्ड की डिजीज़ को। इसमें जो होता है पोलियोमा वायरस में हमें बर्ड का लीवर और हार्ट जो होता है वो साइज जो होता है वो नॉर्मल से बड़ा हो जाता है, और इसके अलावा हाइजीन कंडीशन जो होती हैं वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसलिए हमें जब भी बर्ड का पोस्टमार्टम करें तो उसकी जो भी डेड बॉडी है उसको हम डिस्पोज ऑफ अच्छे से करें। ये वैक्सीन जो होती है मार्केट में जो होती है एवियन पोलियोमा वायरस के नाम से ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, और ये स्मॉल बर्ड्स को ज़्यादातर इफेक्ट यूज़ की जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये अडल्ट बर्ड को जो होता है उसमें इफेक्ट नहीं करती अडल्ट बर्ड में। जब भी आप अपने शेड में या अपने खेत में कोई भी नया बर्ड लेके आएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनको एवियन पोलियोमा वायरस की वैक्सीन करनी चाहिए ताकि वो आपके बाकी बर्ड्स को इफेक्ट ना करे। अगर वो पहले से डिजीज़ है तो उससे भी वो थोड़ा उसमें उसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मोस्टली ये डिजीज़ जो होती है पैराफिट्स को इफेक्ट करती है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हो गए, लव बर्ड्स हो गए, कॉकटेल हो गया, और समटाइम ये जो होते हैं रात को भी इफेक्ट करती है।
इसीलिए हमें अपने बर्ड्स की केयर के लिए उनकी वैक्सीन करवाती रहनी चाहिए। वैक्सीन जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरल डिजीज़ की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती है एज सच, तो हम इनके स्पोरेटिव ट्रीटमेंट समटाइम करते हैं, और इसमें हम समटाइम बर्ड्स को जो होता है विटामिन के का भी इंजेक्शन लगाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।